रजनीश भैया की हेल्प नहीं कर सकता? और कुछ नहीं तो उनका मूड अच्छा करने की कोशिश तो कीजिए। ये उल्टे हाथ का पड़ेगा ना तो उसका मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। सुबह से ऐसा मुंह बना के रखा हुआ है जैसे कि नींबू चूस लिया हो। माया, हम में से किसी को इंटरेस्ट नहीं है, तुम ही जाओ। माया? नहीं नहीं माया नहीं, हमारे परिवार में से किसी को जाना पड़ेगा। खून खून होता है, माया तो माया है। माया माया बुरा मत मानो। इट्स ओके सुमित, आखिर तुम्हारी मम्मी जी तो मम्मी जी हैं। एनीवे तुम जाओ, जाके रजनीश भैया से बात करो। बात? अरे ऐसी पर्सनल बात कोई अपने भाई से करता है क्या? अबे जा रहा है कि नहीं जा रहा? नहीं तो रजनीश का बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ रहने के लिए भेज दूंगा, फिर जिंदगी भर उसका सड़ा हुआ चेहरा दिखता नहीं हो बस। मोनू अगर बात नहीं करनी ना तो मत कर, तू काम कर, तू उसे ना पिक्चर दिखाने ले जा। हाँ ये अच्छा आइडिया है, फिल्म के टाइम पे बात नहीं करनी पड़ेगी और इंटरवल के दौरान पॉपकॉर्न से मुंह ठूस लूंगा। और तो बस रजनीश अगर तुझे कुछ बात करनी है। नहीं मोनू, मुझे अकेला छोड़ दे। ठीक है मैं चलता हूँ। आ जा, वैसे भी एक दिन तो सबने ही मुझे अकेला छोड़कर चले जाना है। हाँ नहीं नहीं मतलब नहीं, एक्चुअली मैं छोड़कर नहीं जा रहा था। अच्छा? बस ऐसे ही कुछ पिक्चर टाइप देखने के लिए। अकेले? माया नहीं जा रही? नहीं वो थक जाती है ना, तू साथ चलेगा? अब तू कहाँ अकेले जाएगा, चल मैं चलता हूँ तेरे साथ। वैसे कौन सी पिक्चर लगी है? एक मिनट मुझे चेक करने दे। हाँ अभी के शो में लगी है भागकर शादी, मीलों फैली तन्हाई, मेरे यार की शादी। कोई फाइटिंग शाइटिंग टाइप की पिक्चर नहीं लगी? हाँ सलमान की नई फिल्म, चले। अच्छा तेरी ट्रीट, अब इतने पैसे आ गए तेरे पास कि तू अपने बड़े भाई की टिकट खरीदेगा है? तू ट्रीट दे दे। अरे नहीं बोलू नहीं। तो खुश रहे हा? तू ही कर ले चल। सवाल ही पैदा नहीं होता, अजय देवगन से बेहतर ना पुलिस वाले की एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। ये सलमान वलमान तो बस ऐसे यूनिफॉर्म पहन के आ जाते हैं और क्या। लेकिन सलमान जब अपनी यूनिफॉर्म खोलकर बनियान में आता है ना तो विलन की असली औकात सामने आ जाती है, मुट्ठी ऐसे कड़क करता है। अभी सोच कि ये जो है ये एरिया विलन का अड्डा है और मान ले कि मैं सलमान हूँ और मैं सलमान टाइप कोई डायलॉग बोल रहा हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी, और बिल्डअप हो रहा है ठीक है, और मेरी मुट्ठी कड़क हो रही है, कट 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 कट, और ये मेरी गई फ्लाइंग किक, थारा थार चुका थार लॉट गो मिशन घूम घूम चाव 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 चने। भल्ले कल सुबह झाड़ पड़ने वाली है ना? आधी झाड़ तो वो लुक से पड़ जाती है, वो लुक।
याद है मम्मी जी के चेहरे पे भी यही लुक था जब हमने पापा जी का चवनप्राश लेके फ्रीजर में रख दिया था है? पापा जी चम्मच लेके ऐसे घुसा घुसा कर निकाल रहे थे जैसे उनके हाथ में खंजर हो, वो किसी का खून कर रहे हो। निकलिया निकलिया तेरा ही आइडिया था। हाँ लेकिन तू भी तो मेरे पीछे पीछे आ गया था जैसे हमेशा तू मेरे पीछे पीछे रहता था है? याद है अमृतसर में तुझे लोग क्या कहा करते थे? हाँ हाँ अच्छी तरीके से याद है। क्या कहते थे मोनू? रजनीश की पूंछ। रजनीश की पूंछ। बड़ी हो गई ना मेरी पूंछ। तुझे याद है 10th स्टैंडर्ड में तूने मुझे बियर पिला दी थी गलती से। लेकिन शर्मा अंकल के घर पे फिर बिना कपड़ों के किसने भेजा था मुझे? आज भी मिसेज शर्मा तुझसे नजरें मिला के बात करने में शर्माती है। यार उनका एक कुत्ता भी हुआ करता था ना जिसने तुझे काटा था। हाँ हुआ करता था। अब नहीं है? मैं भी वही कहूंगा जैसी करनी वैसी बननी। और ये बात ना कुत्तों के मामले में भी उतनी ही सच है। चल चलता हूँ। वैसे सुबह जाना है ड्यूटी पे, लेट जाऊंगा। मैं भी चलता हूँ सोने। सुन मनु, हम दोनों ने इकट्ठे वक्त गुजारा ऐसे प्लान बनाने के लिए थैंक्स। मुझे तो अच्छा लग रहा है कि मम्मी जी ने मुझे ये करने को कहा, वरना मैं तो तुझे ये सब करने के लिए मम्मी जी ने कहा? नहीं नहीं नहीं, मतलब मम्मी जी ने कहा पर हाँ तो मैंने की ना। एक बेचारे को अपना कीमती वक्त दान में देने के लिए शुक्रिया। सुन सोनू, सुन सोनू, और बस। तो फिर क्या? तो फिर कुछ नहीं सोनू। कल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चल आज एक और पिक्चर के लिए चलते हैं, और इस बार किसी ने मुझे चलने को नहीं कहा। ऐसे कोई बात नहीं मोनू, वो क्या है ना बाद में अपने ही अपनों को धोखा देते। भगवान जी ने कुछ सही सोचा होगा कि मेरी शादी नहीं होने दी। ऐसे मत बोल यार। नहीं मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। क्यों बे चपड़गंजू, तेरी उदासी दूर हुई कि नहीं? अबे सुमित को देख, जिंदगी में हमेशा कितना खुश रहता है, और एक तू है हमेशा अपना मुंह सुजा के रहता है। अरे क्यों उसे डांट रहे हो? सोनू मोनू को थैंक यू बोला, वक्त निकाल के तुझे पिक्चर लेके गया था, है ना? थैंक्स मोनू, थैंक्स। गोली, ये ग्रीन गोली मेरी, ये रेड तेरी, और ये सिल्वर। नहीं ये सिल्वर तुम्हारी, ये सफेद मेरी। हाँ पापा जी, आज आपने अपना चवनप्राश नहीं लिया क्या? अरे हाँ, बाद में गोली लेते। चवनप्राश तो लिया ही नहीं, कमजोरी महसूस हो रही थी मुझे तो। चवन प्राश, दस चम्मच दे। अब इसे क्या हो गया? डॉली ये निकल क्यों नहीं गया? अरे जोर लगाओ ना, खाना खाते हो ना, लगाओ जोर और। मेरा चम्मच। क्या हो गया? रहने दो, ये लो कांटा ले लो। डॉली देखती रहे, इस कांटे को मैं इसके अंदर घुसा के ही रहूंगा। क्या कर रहे हो? इस खंजर से मैं तेरा खून कर दूंगा चवनप्राश। अरे कांटा भी टेढ़ा कर दिया। बम 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 बम
बम